यहाँ पर हम अभी फारुक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस के बाहर है और यहाँ पर अभी पीएचईडी की मीटिंग जो है तलब की गई है। आज इस मीटिंग में ये तय पाया जाएगा कि डिलिमिटेशन प्रपोजल के साथ किस तरह यहाँ कश्मीरी लीडर्स डील करते हैं। वही अगर हम डिलिमिटेशन प्रपोजल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मसूदा रिपोर्ट जो है तैयार किया गया है, जिसमें पैनल में 5 पार्लियामेंटेरियंस जो है उसमें जम्मू के 2 जुगल किशोर और जितेंद्र सिंह और कश्मीर के 3 और उसकी सरबराही फारुक अब्दुल्ला साहब करेंगे और उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई है। जबकि उनको ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या जो चेंजेस है वो करने की ज़रूरत है। फिलहाल पीएचईडी की मीटिंग अभी जारी है, अभी मीटिंग के बाद शायद ये प्रेस ब्रीफिंग भी देंगे। तब तक हमें देखना होगा कि डिलिमिटेशन प्रपोजल जो यहाँ पर दिया गया है, जो 6 माह तक बिल्कुल यहाँ पर दिया गया था और उसमें तौसी 2 महीने की और की गई और उसके बाद यहाँ पर पीएचईडी की मीटिंग, कहीं ना कहीं इसमें चेंज जो है हो सकता है कि लाई जाएगी। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीएचईडी की, सारी जो नज़रें हैं वो उन्हीं पर है कि उनका रिपोर्ट अब क्या आता है। फिरदौस लाही, जानन वानी, जेके न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।